तो आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आ चुकी हूँ और एक नया ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब शाम के 3 बज रहे हैं और अभी से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है दिवाली का दूसरा दिन। हाँ गाइस, कल हमने दिवाली सेलिब्रेट किया और आज हम देख सकते हो तैयार वैयार हो चुके हैं और ये भी यहाँ पे तैयार हो रही है क्योंकि अब हम जाएंगे धर्मनगर मेरे मासी के घर और हम 2 दिन के लिए वापस जाएंगे, वापस स्टे करेंगे और घूमेंगे काली पूजा। यहाँ पे काली पूजा में बहुत मस्ती होती है, मतलब बहुत बड़ा करके होता है और वो 2-3 दिन तक चलता है, तो इसलिए कल से शुरुआत हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं और 2 दिन हम वहाँ पे रुकेंगे भी। और या आज का ब्लॉग यही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और धर्मनगर जाने वाले हैं। और धर्मनगर में त्रिपुरा में सबसे बड़ा काली पूजा धर्मनगर में होता है और क्योंकि हम धर्मनगरी लोग हैं तो हमें तो जाना बनता है गाइस। और एग्जैक्टली त्रिपुरा में नहीं, आसाम से भी लोग आते हैं धर्मनगर का पूजा देखने। मेरे मासी का घर धर्मनगर टाउन मतलब पूजा के बहुत पास है, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं और हमारा घर थोड़ा सा दूर है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। तो जो भी हो, यही है आज का ब्लॉग और यही मैं शेयर करूंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि 3 बज चुके हैं और मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि वरना 9 एंट्री हो जाएगा तो गाड़ी नहीं जा पाएगा, पैदल जाना पड़ेगा लेट होंगे तो इसलिए मैं अब जल्दी से तैयार होती हूँ। बस बालों को कॉम करना है और ये देखो हमारा बैग भी तैयार हो चुका है। तो चलो गाइस चलते हैं, आज के ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एट लास्ट हम आ चुके हैं धर्मनगर या, और ये देखो चारों ओर कैसे सज उठा है। और धर्मनगर का सबसे स्पेशल यही वक्त होता है, मतलब इस वक्त धर्मनगर चारों ओर से सज उठता है और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो जो भी हो, अब मैं और मेरी बहन हम दोनों जा रहे हैं मेरे मासी के घर। हे कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, यहाँ पे झूल रहा इतना बड़ा ताला? हम आए हैं हमारे मासी के घर घूमने और यहाँ पे तो ताला झूल रहा है, ये कैसा प्रैंक है गाइस? तो या गाइस हम लोग आ चुके हैं देख सकते हो, और आके क्या देखा, ताला। हाँ वो लोग घर पे नहीं है पर उन लोगों ने चाबी छोड़ के गए थे तो इसलिए चाबी से हमने घर तो ओपन कर लिया है। और यह आ चुकी हूँ और आज ना मैं पूरे दिन में वक्त ही नहीं मिला, मतलब क्या ही बोलूँ कि यहाँ पे आना था इसलिए बहुत सारे ट्यूशन होते हैं मेरे, तो सारे ट्यूशन मैंने ख़त्म किया और तो इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं था। और बाद में जब किया उसके बाद भी हड़बड़ी था क्योंकि यहाँ पे आना था 9 एंट्री लगने से पहले, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आ गई। और अब मैं आ चुकी हूँ मेरे मासी के घर और ये देखो हम दोनों ही है यहाँ पर। चलो गाइस देखते हैं आज क्या क्या होता है और या यही चल रहा है। तो गाइस मेरे कजिन्स वो लोग घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जिसकी देख सकते हो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बहुत मस्ती किया हमने इस बार, पटाखे फोड़े बहुत सारे। और ये अब मैं ऑब्वियसली डबिंग कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बात नहीं किया एक्चुअली, बस वीडियो बना लिया था। तो जो भी हो अब देख सकते हो वो लोग आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे जम के पटाखे फोड़ रहे। वैसे हमें तो मुझे तो कुछ ज़्यादा पटाखे फोड़ना आता भी नहीं है पर 2-3 मैंने भी ट्राई कर लिया। तो चलो अब बात नहीं करते, आपको दिखाते हैं। এই যে দর্শক বেরিয়ে আসছেন আস্তে আস্তে। সব ক্যামেরাম্যান তুম করে উঠাই গেছো गाइस। इतना सारा पटाखे फोड़ के हम थके हरे घर वापस आ चुके हैं पर हमारे भाई जो है उससे मतलब आज पटाखे फोड़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, शायद वो रुक ही नहीं रहा है।
एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक पटाखे फोड़े जा रहा है। गाइस अब बज रहे रात के 8:30 और यहाँ पे गुंजन भी आ चुकी है, देख सकते हो। और आप लोगों को पता होगा वो कौन है, क्योंकि पिछले कुछ ब्लॉग्स में वो लोग भी थे, वो लोग भी आ चुके हैं। और आज हम सब मिलके पूजा देखने जाएंगे। और यहाँ पे अच्छा वो मुझको कुछ दिखाना चाहती थी पर उससे वो मिला नहीं, तो वो बाद में दिखाएगी। और यह देख सकते हो गुंजन आ चुकी है, तो हाय वो कह दो सबको। तो अब हम तैयार होंगे और अब रात के 8:30 बज रहे हैं, धीरे धीरे से तैयार होना स्टार्ट होगा। बहुत हम पटाखे फोड़े जिसके आप लोगों ने देखा अभी तक, और इस बीच हमने खाना भी खा लिया। गाइस आज इतना जल्दी जल्दी हमने सारा खाना वाना निपटा लिया है और अब हम तैयार होंगे और जाएंगे पूजा देखने। तो चलो अब तैयार वैयार होते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग हो चुके हैं तैयार, और यह मैंने ये वाला सूट फिर से पहना है, और ये देखो गुंजन भी हो चुके हैं तैयार। मैंने यहाँ पे लहंगा पहना है जो बहुत ही सुंदर है, और ये लोग अभी भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे गाना होना चल गया है, तो ज्यादा देर नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो भी वो लोगों का खत्म हो जाए उसके बाद हम रवाना होंगे देखने के लिए। तो गाइस जब रात के 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं पूजा देखने के लिए, और ये रहा मेरा लुक, और जो कि दुर्गा पूजा से बिल्कुल डिफरेंट मैंने ट्राई किया होने के लिए। पर इयररिंग सेम है, पर मैंने पोनीटेल कर लिया है और बिंदी भी नहीं पहना है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। और तो गाइस पहले एक बात मैं बता दूँ कि आज का ज़्यादातर ब्लॉग ही डबिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है चारों ओर। तो गाइस मासी के घर आई हूँ, पर मासी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाया क्योंकि हमारे मासी ने यहाँ पे पूजा में दिया है खाने का स्टॉल लगाया है, तो इसीलिए अभी तक उनसे आप लोगों का मुलाकात नहीं हुआ। तो ये रहे मेरे मासी और ये रहे उनका स्टॉल जो कि पूजा के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पे देख सकते हो पूजा है, और ये जो जगह है ना ये धर्मनगर का सबसे प्रसिद्ध जगह है। मतलब पूजा जो भी हो, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या फिर कोई और अनुष्ठान, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मचती है। तो गाइस पूजा में निकलने के बाद सबसे पहले किन के साथ मुलाकात हुआ देखो, मेरे भाभी, मेरे भैया और या ये नन्ही सी जान जो कि मेरे गोद में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, सिर्फ रो रही थी पता नहीं क्यों। तो जो भी हो इनके साथ मुलाकात हुआ, उनके साथ बहुत सारी तस्वीर वस्वीर खींचे हम सब मिलके, और अब हम निकल पड़े हैं पैंडल हॉपिंग करने। या गाइस चलो पैंडल देखते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, ये छोटा सा पैंडल, पता नहीं इसका क्लब का नाम क्या था, मुझे याद नहीं है, पर जो भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है। और आज ना हमने प्लान किया है कि जो जो दूर वाला पंडाल होगा वो सब आज हम देख लेंगे, क्योंकि कल हम पास वाले देखेंगे इसलिए। तो देख सकते हो गाइस उस पैंडल से यहाँ पे आने में हमें बिल्कुल लग चुका है 1 घंटा। और ये देखो ये वाला जो पंडाल है कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और या बहुत ही खूबसूरत, मैं तो बहुत अच्छा लगा इसे देख के। और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है, और ये बहुत दूर था भाई, जब बहुत चल के आए हैं इसे देखने, और देख के ऐसा लग रहा है कि आना, हाँ आना अच्छा हुआ कि ये देखने आए। तो गाइस अब बज रहे रात के हैं और हम यहाँ पे रोड पे बैठ के बहुत सारा तस्वीर खींचे, फोटो खींचे, और अब हम जाएंगे बाकी पैंडल हॉपिंग करने। और अभी तक हमने बस 2 पैंडल हॉपिंग की है, बहुत सारा अभी भी बाकी है, और बाकी तो कल भी करेंगे। तो जो भी हो जितना हो पाए हम करेंगे, और आज सारा रात हमने पूजा देखने का प्लान बना चुके हैं, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। बस अब बज रहे रात के 1, हाँ गाइस, और बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो गया है क्योंकि रात के 1 बज रहे इसलिए। तो जो भी हो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गाइस कोहरा देख सकते हो, उधर लोग हैं पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, रात के 1 बज रहे हैं और ऐसा नज़ारा है अभी। प्लान तो कर लिया कि दूर वाला आगे देखेंगे, पर इन सब के चक्कर में हम सब लोग गए हैं थक। हाँ गाइस, और ये देखो मेरे जीजा जी आ चुके हैं जो कि मेरी बहन, और वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। और उसके अलावा देखो गाइस अब शायद रात के 1-2 बज रहे होंगे, और यहाँ पे कोहरा देखो, सब कुछ बिल्कुल ढक चुका है गाइस देख सकते हो। और जो भी हो पर ऐसा ही कुछ चाह रहे थे, मतलब ऐसे ही कुछ घूमना था, ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे, और फाइनली वो प्लान हो गया। मतलब कभी भी रात के 2-3 बजे तक
घूमे हैं, पर फिर मतलब रात के 11 बजे कभी निकले नहीं है तैयार वैयार होकर। आज पहली बार और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे घूम के। तो गाइस पैर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब हमसे चला नहीं जा रहा, पर फिर भी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमें घूमना है बहुत ही ज़्यादा। जब पैर से जूता निकालूंगी तो शायद क्या ही देखूंगी, चलो इतना ज़्यादा ख़राब है, पर हमें चलना है, रात के 3-4 बजाना है और अभी बस 2 बजे हैं। तो ये कोहरा देख के लग रहा है कि रात के 2 बजे, वरना ये लोगों का भीड़ भट्टा इन सब से तो पता ही नहीं चल रहा है कि अब रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऐसा लग रहा है कि अभी बस शाम है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं सड़क के बीचों बीच क्योंकि पैर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये जूता निकल के कितना ज़्यादा राहत मिल रहा है कि आपको क्या ही समझाऊँ मैं। अगर आप लोग कभी ऐसे चले हो तो आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो मसाज देने बैठ चुकी हूँ मेरे पैर को सबसे पहले, और इसके अलावा ये देखो सब ने जूता उतार दिया, सबका पैर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही शायद। और नया जूता पहना है, और ऐसा कुछ ना हो, ऐसा क्या हो सकता है, देखो क्या हो गया मेरे पैर में। तो जो भी हो चलना तो है आज, हाँ आज आए हैं चलने के लिए, तो पैर में जो भी हो जाए मैं आज नहीं रुकने वाली। तो गाइस थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम फिर से रवाना हो चुके हैं दूसरे पैंडल ओपन करने। या गाइस चलो अब ये वाला देखते हैं कि कैसा है क्या है। तो गाइस ये रहा मेरा फेवरेट पंडाल। हाँ गाइस सबसे सुंदर सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा, मतलब इतना सुंदर कि क्या ही कहूँ, मैं तो इस पंडाल का दीवाना बन चुका हूँ। मतलब इतना सुंदर पंडाल, वाओ क्या ही पंडाल है गाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत है, मतलब मैं तो अभी भी मन कर रहा है कि मैं दौड़ के जाऊँ और यहाँ पे और भी ज़्यादा तस्वीरें वस्वीरें खींचूँ। तो फाइनली अब हम निकल पड़े पंडाल देख के। हाँ निकलने का मन तो नहीं था पर निकलना पड़ा, और वैसे हम तीन ही आए, बाकी लोग वहाँ पे रह गए जहाँ पे हम बैठे थे, तो क्योंकि उनके पैर से और चला नहीं जा रहा था इसलिए। तो गाइस ये देखो हम कहाँ आ चुके हैं, हाँ रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें लग चुकी है भूख। हाँ मुझे पता है कि हम आने से पहले खाना वाना खा के निकले थे घर से, पर इतना ज़्यादा चलने के बाद अगर भूख नहीं लगेगा तो क्या लगेगा गाइस। बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चले हैं, और इसके अलावा बहुत रात भी हो रहा है शायद, 2 मैंने देखा ही था हुआ था। और वैसे डबिंग ही चल रहा है, क्या करूँ, आपको तो पता ही है मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ। और वैसे इतने समय के बाद वो लाल नील लाइट्स के बीच में से ये नॉर्मल वाले लाइट्स में आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही निहार रही हूँ। तो हम सब बहनें मिलके किया कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड, और इस बीच हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। और पता है आपको अब रात के कितने बज रहे हैं, तो ये देखो गाइस रात के अब 3 बजे में बस कुछ ही मिनट बाकी है, और इतने रात गए हम लोग ये सब कुछ खा रहे हैं, पर पूजा में तो ये सब चलता है ना, तो चलो खाते हैं। हमने खाना खा लिया और अब हम निकल पड़े हैं, तो हम जाएंगे मेरे मौसी के स्टॉल पे, और उसके बाद हम जाएंगे घर वापस। और अब कितना बज रहा है बताया आपको, 3:30, अब सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत दिनों से मन था कि ऐसा कुछ करे पर कभी किया नहीं, आज फाइनली मौका मिल चुका है और फाइनली हमने कर भी लिया। तुम्हें नींद आई है? नहीं आई, सुबह के 3:30 बज रहे, तुम्हें अभी भी नींद नहीं आई? गुड मॉर्निंग।
या गुड मॉर्निंग आल्सो। अरे 3 बज रहे हैं गाइस, देख सकते हो, और हम लोग चल रहे हैं। हमारा अभी भी पेट्रोल है। कितने बज रहे हैं दिखाओ? 4:09। हाँ गाइस, और अब हम आ चुके हैं घर वापस, और आज का ये ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ, क्योंकि अभी हम ये सब खोलेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, तो क्या ही दिखाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टाटा बाय बाय, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है।